नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। जिला पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ सुधीर जोशी ने बतौर एसपी पहली बार भादसोरा थाने का निरीक्षण किया और सीएलजी सदस्यों की मीटिंग लेकर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली, जिसमें ग्रामीणों ने मुख्य रूप से रात्रि गश्त लगवाने, रास्त लेने पर लगी नॉनवेज की दुकानों को हटाने, मंदिर परिसर में 500 मीटर की दूरी में लगे शराब के ठेके को हटाने संबंधी प्रस्ताव रखे, जिस पर एसपी ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का आदेश दिया। या और किसी तरह का लालच दिया होगा? अच्छा, इसमें आजकल बहुत तरीके से ठगी करी जा रही है। एक नया तरीका ये चल रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर किसी रिश्तेदार का फोटो लगा देते हैं, आपके किसी रिश्तेदार का, फिर वो आपसे पैसे मांगेंगे कि मैं अहमदाबाद आया हूँ, बच्चे के एक्सीडेंट हो गया, 10,000 अचानक ज़रूरत पड़ गई, ये डाल दो। कुछ बच्चे आजकल परीक्षा के परिजनों को फ़ोन आता है कि आपका बच्चे का नाम भी बताएंगे, या आपका बच्चा जब 15 तारीख को जयपुर एग्ज़ाम देने गया था तो गया था तो यही था, बच्चे का नाम बताएंगे कि उसने बताया क्या, वहाँ पर लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी, मुकदमा दर्ज है यहाँ पर। पिताजी घबरा जाते हैं कि यार, फिर वो डरा करके पैसे ले लेना, तो कुल मिला करके मोबाइल रिलेटेड कई बार आपको ओटीपी मांग लेते हैं, कभी और लालच दे देंगे, कभी लड़की कर लेगी आपको बातचीत में उलझा करके, और फिर वो कुछ फ़ोटो वोटो शेयर कर लेगी। बहुत सावधानी, आप में से सबसे सबके साथ कभी ना कभी प्रयास तो वही होगा। 25 वर्ष पूर्व से आप प्रोबेशन में रहा था इस थाना में, और मुझे ये स्थान बहुत ही प्रिय है, और आज यहाँ पे सीएलजी मीटिंग लगी, लोगों से संवाद किया, इनकी जो समस्याएं आई है यहाँ की उसका जल्दी ही निराकरण करेंगे, और प्रयास ये रहेगा कि हम बेहतर पुलिस व्यवस्था दे सकें, जहाँ आमजन का पुलिस में विश्वास हो और अपराधियों में भय हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे, आमजन की अच्छी सुनवाई हो, मामले जो कि पुलिस के पास आते हैं उनका त्वरित निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से निस्तारण हो सके, ताकि सुकून कायम रहे क्षेत्र के अंदर। एकीकृत बाल विकास परियोजना जयजयपुर जिला शक्ति के तत्वाधान में महतारी बंधन सम्मेलन का आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के साथ परियोजना अधिकारी पुष्पलता अग्रवाल, जनपद सीओ वर्षा रानी, नगर पंचायत अध्यक्ष सोन साय देवांगन, भाजपा से जिला महामंत्री गोपी सिंह ठाकुर, लोकेश साहू, नरसिंह साहू और साथ ही भाजपा के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ नेता भारी संख्या में उपस्थित रहे। इसी बीच आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को प्रशस्ति प्रमाण पत्र और बच्चों का मनमोहक नृत्य एवं कार्यकर्ताओं ने अनेक मिष्ठान पकवान प्रस्तुत किया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना के बारे में संबोधित किया। वहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं काशी से आज अपनी माता बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। आप सबके खाते में अब हर महीने बगैर परेशानी के पैसा आता रहेगा। यह मेरा भरोसा है, छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर मैं गारंटी देता हूं। जब माताएं सशक्त होती हैं तो पूरा परिवार सशक्त होता है। अपने परिवार में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया सम्मान समारोह हुआ संपन्न। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व्यास कश्यप विधायक जांजगीर चांपा ने कहा, आजादी के समय से मीडिया का महत्व काफी था, बदलते परिवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जिससे लोगों की समस्याएं और ज्यादा मात्रा में शासन के सामने आई। मंच के माध्यम से जांजगीर विधायक ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया संघ नवागढ़ की मांग पर अपनी विधायक निधि से 7 लाख रुपए की भवन की स्वीकृति की अनुशंसा की। विशिष्ट अतिथि दिनेश शर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ने कहा कि लोकतंत्र में अब पत्रकारों की भूमिका बढ़ गई है। आपकी सजगता और सहजता से ही क्षेत्र का विकास हो पाएगा, क्योंकि आप जैसा समाचार दिखाओगे जिससे शासन प्रशासन की नजर से समस्या आएंगे और उनका समाधान होगा। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केसर बनी कर रहे थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अर्जीत बंजारे, बाजिद खान, कमलेश पांडे, केपी बघेल सहित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के सभी सदस्य उपस्थित थे। कौन विभाग में कहां होते, कब का पैसा आया है, कहां खर्च करे थे, पर कब से सूचना के अधिकार लागू हुई, ओकर सर्वाधिक लाभ कोई न मिली, हमारे प्रेस वाला भाई भाई जब सूचना के अधिकार लगाए
सूचना के अधिकार ले जानकारी मिले का सही और का गलत है तेकर प्रेस के माध्यम से। यही कार्यक्रम बढ़िया कार्यक्रम रहा कि प्रेस क्लब में एकजुटता भी दिखी और आप लोगों की मांग जो भी थी उस मांग को मैंने स्वयं स्वीकृति दी है कि भाई आने वाले समय में नवागढ़ के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पदाधिकारी और कार्य समितियों के लिए एक भवन की स्वीकृति मैं स्वयं अपने विधायक निधि से आप लोगों को मैं दूंगा। और मैं तो मीडिया के सभी लोगों से मैंने जो कहा है उस बात को मैं पुनः दोहराऊंगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में तत्परता से लगे रहें और वह सच्चाई या वह जो घटना जो वास्तविकता है उस बात को आम जनता तक ले जाने की जिम्मेदारी मीडिया के हमारे भाइयों के ऊपर है। आप सब सक्रिय भूमिका निभाएं और मीडिया का यहाँ अपना नाम और सिक्का नवागढ़ में जमाएं ताकि अन्य लोगों को भी प्रेरित हों और एक होकर मीडिया के भाई एक साथ मिलजुल करके काम करें। मुझे बहुत खुशी है आपके कार्यक्रम में शिरकत करके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के जो साथी हैं, पत्रकार बंधु हैं, उन लोगों ने एक नवागढ़ में बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित किया। अभी वर्तमान परिस्थिति में देश में आपकी जो जवाबदारी है चौथे स्तंभ के रूप में लोकतंत्र में जो आपका कर्तव्य है वो बढ़ गया है और आपकी सजगता इस क्षेत्र में दिखती है, मुझे इस बात की खुशी है और मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त हूँ कि पीत पत्रकारिता यहाँ नहीं होती, यहाँ आप सब सकारात्मक पत्रकारिता भी करें और एक अच्छा आयाम एक अच्छा सोपान पत्रकारिता जगत में अपना स्थापित करें और पत्रकारिता जगत के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया जिस पे आपके आपको दायित्व मिला है उसके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास में आप भी एक बुनियाद बने और आप भी एक ईंट के पत्थर बने और जिसमें इस अंचल में जो हम सब का और जनमानस का जो की सोच है उसको आप सकारात्मक रूप दें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, आपको सबको साधुवाद, आप सबको नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि महतारी बंधन योजना के तहत देने की घोषणा की गई थी। इसको लेकर आज बलरामपुर जिले के कुसमी जनपद प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सामरी विधायक देशवरी पेकरा के मुख्य आतिथ्य में योजना के हितग्राही महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उपहार भेंट किए गए हैं। बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी में 2,94,483 पात्र हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सामरी के विधायक उदेश्वरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता से किए गए वादे पूरा किया जा रहा है। आज वादे के मुताबिक महतारी बंधन योजना के अंतर्गत हितग्राही महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाला गया है। वहीं आने वाले दिनों में कृषक साथियों को उनके धान के पूर्व वर्षों के अंतरराशि दी जाएगी और यही नरेंद्र मोदी की गारंटी है। माताओं बहनों के नाम पर जो मुद्रा लोन मिल रही है उनमें भी 65% से ज्यादा हमारी महिला बहनों ने, माताओं बहनों ने, खास करके नौजवान बेटियों ने कदम उठाया, आगे बढ़ी और ये लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में बहुत खुश लग रहा है, अपने पैसा झकना नहीं पड़ेगा, भीख मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, हर महीने पैसा का जरूरत पड़ेगा तो अपने खाता से निकाल कर यूज कर सकती हूँ। मतलब कहीं ना कहीं प्रधान जी, मैं मोदी जी को मतलब दिल से धन्यवाद देती हूँ और जितने मेरे सहयोग किए हैं सब अधिकारी लोग भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ पर महतारी बंधन योजना के तहत आज पहली बार हमारे बहनों के खाते में हर पात्र बहनों के खाते में 1,000 रुपये आया है और आज हमारे यहाँ कुसमी ब्लॉक में 29,483 जो पात्र महिला बहनें थे उनके खाते में आज पैसा जमा हुआ।
बस शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बटन दबा करके किए हैं, आज से शुभारंभ हुआ है। अब लगातार इनके खाते में हर महीने 1,000 रुपए जितने महतारी बंधन के जो पात्र पाए गए हैं उनके खाते में आएंगे, और जिनका अपात्र है उनके लिए नई सिरे से ऑनलाइन के थ्रू आवेदन जमा। अच्छा, पहला प्राथमिकता यही है महतारियों के लिए, जो आज हमारे यशस्वी प्रदेश मुख्यमंत्री पहली बार इस तरह का हमारे महिला बहनों के लिए ये महतारी बंधन, ये बहुत बड़ा हमारे महिला बहनों के लिए प्रदेश के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मत्व, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री ब्रज मोहन अग्रवाल ने अपने एक दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास पर सोमवार को बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर विधायक श्री चेतराम अटानी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता भास्कर, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह तथा अन्य जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन तथा जिला प्रशासन के अधिकारी गणमान्य। जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड गमहार कोना स्कूल में शासन के आदेशानुसार प्रधानमंत्री शक्ति पोषण योजना अंतर्गत नियोता भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्राथमिक शाला गमहार कोना में किया गया, जिसमें पालक शिक्षक शाला प्रबंधन समिति के सदस्य अध्यक्ष जनप्रतिनिधि संकुल शिक्षक समन्वयक अनुग्रह कुजूर संकुल मुड़ी व गणमान्य नागरिक विद्यार्थीगण को न्योता भोजन परोसा गया, जिसमें प्रधान पाठक उदय यादव और समस्त स्टाफ बढ़ चढ़कर भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया गया। इस प्रकार न्योता भोजन पाकर बच्चों ग्रामवासियों खुशी से झूम उठे। कटका उतरे